गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैंने रीडिंग दी सब प्राइम क्राइसिस एंड डॉलर की। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट रीड इट क्विकली। ठीक है, तो ये कहता है विद द स्टार्ट ऑफ द सब प्राइम फाइनेंशियल क्राइसिस इन ऑगस्ट 2007 द डॉलर बिगैन एन एक्सेलरेटेड डिक्लाइन इन वैल्यू फॉलिंग बाई 9% अगेंस्ट द यूरो अंटिल मिड जुलाई ऑफ 2008 एंड 6% अगेंस्ट अ वाइडर बास्केट ऑफ करेंसीज। After hitting an all-time low against the euro on July 11, the dollar suddenly shot upward by over 20% against the euro by the end of October and 15% against a wide basket of currencies. So, what is the relationship between subprime crisis and these large swings in the value of dollar? ठीक है, so basically ये जो reading is about subprime crisis. ठीक है, subprime crisis was about this is during the time period of 2007 to 2008. ठीक है, तो दिस वॉज अ टाइम जहाँ पे आप कहते हैं ना कि सब प्राइम मॉर्गेजेस होते हैं। ठीक है, वो बहुत आम होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको बता चुका हूँ क्लासेस सब प्राइम मॉर्गेजेस क्या होते हैं। ठीक है, बाकी इस रीडिंग में शायद थोड़ा सा बताया, बट मेन कंसर्न हमारा इस रीडिंग में है कि जो आपकी सब प्राइम क्राइसिस के दौरान जो एक्सचेंज रेट चेंज हुआ बहुत। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रीडिंग एक्सचेंज रेट की बात करती है ड्यूरिंग द सब प्राइम क्राइसिस। ठीक है, तो ड्यूरिंग 2007 द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द सब प्राइम क्राइसिस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी वर मोस्टली कन्फाइंड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। द फेडरल रिजर्व एक्टेड एग्रेसिवली टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स टू काउंटर द कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट्स डिक्रीजिंग द फेडरल फंड्स रेट टारगेट बाय 325 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम सितंबर 2007 टू अप्रैल ऑफ 2008। इन कॉन्ट्रास्ट द अदर सेंट्रल बैंक्स लाइक द ईसीबी did not see the need to lower interest rates, particularly because high energy prices had led to a surge in inflation. The relative expected return on dollar assets thus declined, shifting the demand curve for dollar assets to the left, as in Figure 5, leading to a decline in the equilibrium exchange rate. Our analysis of the foreign exchange market thus explains why early phase of subprime crisis led to a decline in the dollar. So basically, क्या है कि USA में 2007 2008 के दौरान फेडरल फंड्स रेट है उसको डिक्रीज किया गया। ठीक है, सो फेडरल फंड्स रेट को जब डिक्रीज किया गया दैट बेसिकली मींस देयर वाज अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया गया इट हैड अ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, यानी इसने इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक था, ठीक है, इन यूरोप यानी कि यूरोप या यूरोपियन यूनियन ने ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की थी, यानी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करना ठीक नहीं समझा। ठीक, सो दैट लेड टू अ डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। सी वी नाउ टर्न टू द राइज इन द वैल्यू ऑफ द डॉलर स्टार्टिंग इन समर ऑफ 2008 द इफेक्ट्स ऑफ द सब प्राइम क्राइसिस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगन टू स्प्रेड मोर वाइडली। ठीक है, 2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस इसका इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्प्रेड टू began to spread more widely. Foreign central banks started to cut interest rates with the expectation that further rate cuts would follow, as indeed did occur. ठीक है, so काफी foreign banks से भी interest rates को decrease करना शुरू कर दिया। Expected decline in foreign interest rates then increased the relative expected return of dollar assets, leading to a rightward shift in demand curve and a rise in the value of the dollar. ठीक है, तो हुआ क्या कि interest rates को decrease किया काफी मुल्कों ने, उसकी वजह से क्या हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डॉलर एसेट्स वो इंक्रीज की। ठीक है, लीडिंग टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ कर्व। ठीक है, यानी कि डिमांड इंक्रीज एंड देयर वाज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इवेंचुअली दैट लेड टू अ राइज इन टू वैल्यू ऑफ द डॉलर। ठीक है, अनदर फैक्टर ड्राइविंग द डॉलर अपवर्ड वाज अ फ्लाइट टू क्वालिटी व्हेन द सब प्राइम फाइनेंशियल क्राइसिस रीच्ड अ पर्टिकुलरली वायलेंट स्टेज इन सितंबर एंड अक्टूबर। Both Americans and foreigners now wanted to put their money in the safest assets possible, US Treasury securities. The resulting increase in demand for dollar assets provided an additional reason for demand for dollar assets to shift out to the right, thereby helping to produce a sharp appreciation of the dollar. ठीक है, सो दिस रीडिंग इज अबाउट के डॉलर का एक्सचेंज रेट किस तरह इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। ठीक है, इट्स मेनली अबाउट दैट।
and it is mainly concerned during the time period of 2007 to 2008. ठीक है, एक और रीडिंग देख लेते हैं एंड एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है, जो रीडिंग्स हैं इनको आपने याद नहीं करना. ठीक है, कोई भी जो रीडिंग मैं आपको देता हूँ करने के लिए इसको याद नहीं करना होता. ठीक है, एग्जाम में ये रीडिंग से सवाल नहीं आएगा. ठीक है, इन रीडिंग्स को पढ़ने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने जो पढ़ा स्पेशली इन दिस चैप्टर उसके हवाले से हम देखेंगे प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह की है. ठीक है, तो बेसिकली वी आर जस्ट लुकिंग एट कि एक्सचेंज रेट्स किस तरह से चेंज होते हैं इन द रियल वर्ल्ड. ठीक है, उसकी कुछ उसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी गई इन रीडिंग्स. ठीक है, तो एक आर्टिकल है यूरो गेन्स ऑन डॉलर पाउंड अबव डॉलर वन पोर्टफोलियो. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. द यूरो गेन अगेंस्ट द डॉलर ट्यूसडे स्टॉक मार्केट रोज एनकरेजिंग ट्रेडर्स टू टेक ऑन मोर रिस्क एंड सेल डॉलर. डॉलर इज कंसिडर्ड अ सेफ हेवन बिकॉज इज द वर्ल्ड रिजर्व करेंसी. ठीक है, डॉलर को एक सेफ हेवन कहा जाता है. सेफ हेवन का मतलब है कि काफ़ी सेफ करेंसी समझी जाती है. सेफ इन द सेंस कि हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि डॉलर कभी भी वैल्यूलेस होगा या बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर देगा. ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व करेंसीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, रिजर्व करेंसी क्या होती है? जिस करेंसी में कोई भी मुल्क फॉरेन रिजर्व रखता है, ठीक है, उसको रिजर्व करेंसी कहते हैं. ठीक है, तो आई होप आपने फॉरेन रिजर्व के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, तो फॉरेन रिजर्व जो हैं दिस बेसिकली कंसर्न्स आपका जो है स्पेशली कंसर्न विद योर अकाउंट्स. ठीक है, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है. ठीक है, इसका इन चीज़ों से कंसर्न है. आई होप आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड. ठीक है, ओके. एंड द यूरो एंड पाउंड आल्सो वर सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूरोपियन डेटा व्हिच ओवरनाइट सेंट बोथ करेंसीज टू वन वीक हाई. सो द यूरो एंड पाउंड आल्सो वर सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूरोपियन डेटा व्हिच ओवरनाइट सेंट बोथ करेंसीज टू वन वीक हाई. लेट ट्यूसडे इन न्यूयॉर्क द यूरो वाज एट डॉलर 1.3189 फ्रॉम डॉलर 1.3176 लेट मंडे व्हाइल द डॉलर वाज फ्लैट एट 89.02. The euro was at 170.40 yen from 170.3 yen and the UK pound was at 1.416 from 1.3973. The dollar was at 1.139 Swiss francs from 1.137. The IFO German business confidence index slightly rebounded in January. Okay, this is the business confidence index. Yani jo business confidence zyada hota hai, index high ho jata hai. Business confidence low hota hai, index kam ho jata hai. So the info German business confidence index slightly rebounded in January beating economist forecast, still with the index just above record level lows. Officials at the research institute cautioned against calling this a recovery. So the info German business confidence index slightly rebounded in January beating economist forecast, still with index just above record lows. Officials at the research institute cautioned against calling this a recovery. Meanwhile, in the UK, sales volume at retailers recovered slightly in January. The pound was able to hold above the key 1.40 level throughout the session. The euro, however, fell to the intraday low of 1.3118 and 116.12 after the US Conference Board reported its January consumer confidence index fell to a historic low. The yen also is considered a haven due to Japan's large foreign exchange reserves and current accounts. The yen is also considered like a safe haven and unsafe haven ki baat karte hain because Japan jo hai it maintains large foreign exchange reserves. Theek hai, currency analysts said the lifetime of the current revival of the risk capital depends on the outcome of the Federal Reserve's policy meeting on Wednesday. So you can see over here basically kya ho raha hai. Agar dekha jaye dollar jo hai throughout appreciate kar raha hai. But at the same time, euro is also appreciating, theek hai, on behalf of stronger European economy, theek hai. So, pound ke bhi yahan pe exchange rate same hai, theek hai.
सो दिस इज जस्ट स्मॉल एग्जांपल कि आपके जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो किस तरह चेंज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप देखें डॉलर अगर चेंज हो रहा है तो एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सी यूरो एंड पाउंड आर ऑल्सो चेंजिंग। ठीक है, तो दुनिया में जो मेजर करेंसीज हैं ये डॉलर है, यूरो है, पाउंड है और ये आपका जापानी येन है। ठीक है, दीज आर द मेजर करेंसी। तो हम जब भी करेंसी की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं, तो हम इन करेंसीज के एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी रुपये का एक्सचेंज रेट क्या अगेंस्ट द डॉलर, या व्हाट इज द एक्सचेंज रेट पाकिस्तानी रुपये अगेंस्ट द यूरो, व्हाट इज द रेट ऑफ पाकिस्तानी रुपये अगेंस्ट द पाउंड। ठीक है, या व्हाट इज द रेट अगेंस्ट जापानीज येन। ठीक है, बिकॉज ये मेजर करेंसी दुनिया की, तो हम इन्हीं मेजर करेंसी से अपनी मुल्क की करेंसी एक्सचेंज रेट भी देखते हैं और इन करेंसीज का आपस में भी एक्सचेंज रेट हमने देखना होता है। ठीक है, बेसिकली हम देखना चाहते हैं अगर डॉलर इंक्रीज हुआ है क्या यूरो भी इंक्रीज हुआ है उसके पता लगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ डॉलर अगेंस्ट यूरो का जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो यूरो और पाउंड के एक्सचेंज रेट पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, सो दैट वाज दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर तो पहले खत्म हो गया था, हम बस कुछ रीडिंग्स कर रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं विच यू नीड टू नो। तो हमने क्विकली रिवाइज कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर दोज मार्केट्स इन विच डिफरेंट करेंसीज बॉट एंड सोल्ड, एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स अफेक्ट द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, सपोज वेंडर अमेरिकन वांट्स टू बाय अ बॉटल ऑफ जूस, इफ द प्राइस ऑफ जूस इन फ्रांस इज यूरो 1000, एक्सचेंज रेट इज $1.28 टू यूरो। इफ वेंडर डिलेज अ परचेज बाय 2 months एंड विच टाइम द यूरो हैज अप्रिशिएटेड टू $1.40 यूरो, द बॉटल ऑफ जूस विल बी $14। ठीक है, तो यू कैन सी कि जब एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है डॉलर अगेंस्ट यूरो का, तो जो प्राइस ऑफ द बॉटल ऑफ जूस है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इफ द प्राइस ऑफ द जूस इज इक्वल टू 1000 यूरो, ठीक है, और एक्सचेंज रेट 1.28 पर यूरो है, ठीक है, डॉलर 1.28 पर यूरो है, तो यू कैन कन्वर्ट द प्राइस ऑफ 1000 यूरो टू डॉलर। ठीक है, इसको डॉलर में कन्वर्ट करके देखें जो प्राइस आएगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम $1400। ठीक है, दैट इज हाउ प्राइस चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सो सेम करेंसी अप्रिसिएशन मेक्स द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन द होम कंट्री लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, फॉरेन गुड्स हैं वो दे विल बिकम लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल दी हुई डेल कंप्यूटर्स की है। ठीक है, जब एक्सचेंज रेट डॉलर 1.28 यूरो है तो इट विल कॉस्ट 2000 यूरो। ठीक है, डेल कंप्यूटर की बात हो रही है, जब वो 1.4 हो जाता है तो इट कॉस्ट 1428.5। ठीक है, सो व्हेन द करेंसी व्हेन अ कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएट्स इट मेक्स फॉरेन गुड्स अब्रॉड मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, एंड फॉरेन गुड्स इन दैट कंट्री बिकम लेस। ठीक है, मैं कहने का मकसद है कि उस मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त में जो फॉरेन गुड्स इंपोर्ट हो रही होती हैं दे बिकम लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, व्हेन अ कंट्री डेप्रिशिएट्स तो उल्टा होता है। ठीक है, मोस्ट फॉरेन करेंसी व्हिच आर बॉट और सोल्ड आर नॉट नोट्स। ठीक है, दिस यू नीड टू नो कि ज़्यादातर जो है फॉरेन बैंक डिपॉजिट्स को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, फॉरेन करेंसीज के फॉर्म नोट्स बहुत ज़्यादा खरीदा बेचा नहीं जाता। So law one price हम कर चुके हैं। ठीक है, two countries produce identical goods and the transaction cost of trade values are very low. The goods will sell for exactly the same price in two countries. ठीक है, theory of purchasing power and parity को देखें तो it states that exchange rates between two countries will just to reflect changes in prices. So,
According to your purchasing power parity exchange rates between the currencies of any two countries, it is dependent on the price levels taken. Real exchange rate refers to the price at which domestic goods can be exchanged for foreign goods. In effect, the real exchange rate is the price of foreign goods relative to domestic goods are denominated in domestic currency. The real exchange rate determines whether currency is cheap for US dollar. ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दी हुई रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने सपोज इफ अ बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट $50 यूएस एंड अ सिमिलर बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट $25 इन जापान द कॉस्ट कॉस्ट 500 येन ठीक है देन द रियल एक्सचेंज रेट इज $50 बाय $70 ठीक है सो इट इज द रियल एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड येन According to your purchasing power parity, if a country's price level rises relative to another's, its currency should depreciate. Conversely, the country's price level falls relative to another's, exactly what happened. So, in the form of an equation, how purchasing power parity is expressed for something, S is equal to P1, P2, S is exchange rate, and P1 and P2 refers to price level in country 1 and country 2. Purchasing power parity theory has some major assumptions. Okay. So these are the major assumptions. Or if these assumptions hold not correct, purchasing power parity theory does not hold. So in the real world, if we see, these assumptions are not always valid. They do hold sometimes, but they are not always. These are assumptions always holding. So goods and services are perfectly interchangeable, and goods and services are identical. These are the further assumptions. Okay. तो टोटल मार्क्स कितनी अजम्पशन है यहाँ पे अब यह 1, 2, 3, 4, 5 अजम्पशन ठीक है इफ फैक्टर इंक्रीज डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिव फॉरेन गुड्स द डोमेस्टिक करेंसी विल एप्रिशिएट इफ फैक्टर इंक्रीज रिलेटिव डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स डिक्रीज एंड लोकल करेंसी increased demand for foreign goods causes currency to appreciate in the long run. Increased demand for import causes the currency to depreciate. ठीक है यानी कि अगर किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो उस मुल्क की करेंसी अप्रिशिएट करेगी लेकिन अगर उस मुल्क की इम्पोर्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो एग्जैक्टली अपोजिट होगा यानी कि उसकी करेंसी डिप्रिशिएट लॉन्ग टर्म डिटरमिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स को हमने देखा है दे आर लिस्टेड ओवर हियर एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन रिलेटिव प्राइस लेवल्स Expectation of higher American trade values, expectation of lower American imports, expectation of higher export demand. The main thing is the expectation of exchange rate can affect both, especially in the long run. Nominal interest rate is equal to real interest rate, thus expected inflation. This is an important equation. Equation आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, nominal interest rate increases because of increase in real interest rate that causes an increase in demand for domestic assets. Which leads to appreciation of the dollar. If nominal interest rate decreases because of decrease in real interest rate, that would depreciate the US dollar. And फिर हमने money supply की भी effects को देखा. What happens to exchange rate if money supply increases? Money supply increases, that leads to higher price of the US, causing a fall in the expected future exchange rate. Okay, so a decrease in expected future exchange rate causes a decline in demand for domestic assets. ठीक है, and so on. ठीक है, so ये चीजें हमने पढ़ी हैं इस chapter में. इसमें मैं एक्सचेंज रेट न्यूट्रलिटी को भी ऐड कर दूंगा इस स्लाइड सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड होपफुली हम नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ठीक है एंड इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि आपका ज़्यादा कोर्स नहीं रहेगा ठीक है कोर्स इस सब्जेक्ट का कम है ठीक है सो हमारे पास रिविजन के लिए काफ़ी टाइम बच जाएगा आई होप ठीक है सो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू All right, and